ऐसी ही सारी सोच रही हूँ। I think the first thing I'll say, the reason I'm here is because I am woman and I support this cause. I support everything that has to do anything with any development in terms of female child, in terms of dowry, of course, because it again involves women, in terms of lot of things. So mujhe aisa lagta hai jab koi bhi especially NGO ki bhi baat hoti hai, otherwise I'm always a part of it because mujhe main bahut sensitive किस्म की इंसान हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ इस वक्त तो कर नहीं सकती क्योंकि मैं उस मुकाम पे नहीं हूँ या शायद मैं उतनी पावरफुल या उतनी क्या कहते हैं अगर एकदम सिंपल वर्ड में बोलूँगी तो उतनी रिच नहीं हूँ। तो डेफिनेटली मैं अपने तरफ से जो भी किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ वो करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी चाहती हूँ कि लाइफ में आगे जाके मैं कुछ बड़ा करूँ और कुछ ज़्यादा चंक के लिए करूँ। और जब आप ऐसी सारी जगह आते हो और इतने अमेजिंग लोगों को बात करते हुए सुनते हो, आपकी नॉलेज बढ़ती है, यू नो, एंड व्हेन यू आर यंग, यू आर इन योर ग्रोइंग एज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सराउंडिंग अच्छा हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे लोगों के बीच में जब भी बैठती हूँ, उनमें से बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो आज स्पीकर्स थे, आई थिंक दे टॉक सो ब्यूटीफुली कि आप भी उसी तरीके से, जो कहते हैं ना आप जिसके साथ रहते हो वैसे आप मोल्ड होते जाते हो, संगत जैसी वैसी रंगत। तो मैं इस चीज़ों में बहुत बिलीव करती हूँ, मेरे घर में भी हमेशा यही बातें होती रहती है। तो मुझे ऐसे इवेंट्स बहुत, इनफैक्ट ये मेरा पहला इवेंट था जहाँ पर मैंने लिटरली इतने, यू नो, ये कॉन्वर्जेशन वाले माहौल में बैठी हूँ एंड आई सो एन्जॉयड इट, आई कॉन्ट टेल यू, मैं इतना कुछ सीखी हूँ। और जो कुछ चीज़ों की तरफ जो हमारा इतना, यू नो, ध्यान होता नहीं है, वो चीज़ें लाइट में आती है। अरे हाँ, ये भी चीज़ें, अच्छा ये मेरी लाइफ में भी अगर होगा तो मैं इससे कैसे रिएक्ट करूँ, यू नो। तो ये जब आज लोगों ने इतनी बातें की, मैंने उनसे सीखा कि अच्छा ये सारे सोल्यूशंस भी हो सकते हैं, यू नो, आई थिंक इट इन अ वे मोटिवेट्स यू, सच थिंग्स हेल्प यू अ लॉट इन मोटिवेटिंग। सो या, इट्स अ मोटिवेशन सेमिनार फॉर मी। वो कहते हैं ना, कुछ लोग जब डिप्रेस हो जाते हैं तो काउंसलिंग करने जाते हैं, उस तरीके से ही एक ये चीज़ है, अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो आप ऐसी सब चीज़ें अटेंड करो, ताकि मेरे लिए माई लाइफ इज़ नॉट जस्ट बॉलीवुड। मुझे हमेशा फिल्मों की, गानों की, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मेरे साथ कोई ऐसी बात करता रहता है 24 घंटा, मेरा सर दुख जाता है। सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा, इनफैक्ट मैं इतनी फ़नी हूँ कि मैं ऐसे दोस्त चुनती हूँ जो इंडस्ट्री में बिल्कुल हो ही ना, ताकि यू नो मैं अलग अलग उनसे बातें कर सकूँ और अलग अलग चीज़ें जान सकूँ। आई टॉक ऑन एवरी थिंग, सो आई थिंक दैट इज़ अ कंपनी विच इंस्पायर्स मी द मोस्ट। जैसा कि आपने बोला कि आप इंडस्ट्री के अलावा बाहर से दोस्त बनाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, अगर लेट्स सपोज अगर आप इंडस्ट्री में नहीं होते तो डू यू थिंक दूर की इंडस्ट्री के लोगों को कोई मेरा इंडस्ट्री में फ्रेंड? आई डोंट थिंक यार, मैं ऑनेस्टली ही बोलूँ, मैं ऑनेस्टली जब मैं नई नई आई थी तब मुझे इनसिक्योरिटीज़ भी होती थी, सुंदर लड़कियों को देख के ऐसा लगता था ओ गॉड मुझे कैसे मिलेगा, जलन होती थी, मैं स्टारस्ट्रक थी। बट आज जब मैं यहाँ पहुँची हूँ और जब सब कुछ देख चुकी हूँ, आज की तारीख में अगर मुझे कोई बोला, मैं किसी से जलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो आपको मिलना वो आपको मिलेगा, किसी से जल के अपना खून क्यों जलाना। सेकेंडली मैं बिल्कुल स्टारस्ट्रक नहीं हूँ, हाँ आई रिस्पेक्ट, आई लाइक देम, आई सी देम ऑन स्क्रीन, बट ऐसे देख के वो पागल की तरह, यू नो, कुछ लोग ऐसे अजीब से बिहेव करने लग जाते हैं, वो कॉन्स्टेंटली दे स्टार्ट पाइलिंग ऑन लॉट ऑफ पीपल, आई डोंट डू दैट। मैं अपना बहुत कॉशियस डिस्टेंस रखती हूँ, चाहे मैं जो भी एक्टर्स से बात कर रही हूँ या जो भी इंडस्ट्री के ए लिस्टर्स है, आई थिंक मैं बहुत लिमिटेड रखती हूँ, ताकि मैं नहीं, लोगों को ये ना लगे कि यार ये कितनी चेपू टाइप से, यू नो, जो डेली वर्ड में कहते हैं। सो आई डोंट लाइक दैट, आई एम अ वेरी ईगोइस्टिक पर्सन, और मेरे लिए मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इस दुनिया में और कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। जहाँ पे मेरा वो हर्ट होता है मुझे बुरा लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बस उतना ही रखूँ जहाँ पे वो मुझे हर्ट ना हो, बिकॉज उसके बाद आप कितने बड़े हो कितने छोटे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं एकदम अपने जोन में आ जाती हूँ। सो आई थिंक नोइंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ एज अ पर्सन, कि आपका कैरेक्टर क्या है, एंड देन आई एक्ट अकॉर्डिंगली। यस जी 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 जी, इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी इतना अकेलापन और उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स के काम नहीं मिल रहा था, समथिंग लाइक दैट, क्या कहेंगे इसके ऊपर? पता है ये बहुत पहले भी बहुत लोग ये कहते थे कि अरे
अकॉर्डिंग टू लोग इंडस्ट्री वाले बहुत सुंदर है, ये लोगों का परसेप्शन है, बिकॉज ऑब्वियसली वो हमेशा हमें सजा धजा मेकअप में देखते, बिना मेकअप के बिना ऐसे स्टाइलिश कपड़ों के हम सब सेम ही लगते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत 19-20 कलर का डिफरेंस है, बाकी आई थिंक एवरी इंडियन गर्ल इज़ वेरी प्रिटी, अगर आप थोड़ा सा उन्हें मेकअप कर दो वो इतने सुंदर लगते हैं कि मैं खुद घर में कहती हूँ अरे अरे कितनी अच्छी लड़की है, कितनी सुंदर है, थोड़ी और पतली चिजल्ड हो जाती तो ये भी हीरोइन बन जाती, यू नो ये सारी चीज़ें होती है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर सुंदर लोगों की लाइफ इतनी अच्छी होती तो आज इंडस्ट्री में कोई डिवोर्स नहीं होता, कोई यू नो पर्सनल लाइफ और एक इंडस्ट्री की लाइफ बहुत डिफरेंट, हम काम वो करते हैं, आज आप जर्नलिस्ट हो आप शायद कभी कभी ऐसा मौका होगा कि आप बहुत रूड क्वेश्चंस पूछोगे, बट दैट डजंट मेक यू अ बैड पर्सन, यू नो वो आपका जॉब है, वो आपको किसी ने क्वेश्चन लिख के दिया है कि आपको ये उनको बैठ के ट्रिगर करना है, आप वो करोगे बिकॉज आपको भी आपका कुछ सबमिशन करना है, वैसे ही एक्ट्रेसेस होते हैं, वी परफॉर्म वी डांस वी रोमांस बिकॉज दैट्स अ जॉब, हमको वो लिख के दिया गया है, बट हमारा पर्सनल लाइफ वी आर एज एन इंडिविजुअल डिफरेंट पीपल, करेक्ट। अब मैं ये ड्रेस तो पहन के पूरे घर में घूमूंगी नहीं, राइट, इवेंट पे आई हूँ तो मैं इतने घर पे जाऊँगी, मेरी लाइफ वैसी है जैसी आपकी है, मुझे घर जाके देखना है मेरे बिल्स पेमेंट हुए कि नहीं, राशन हुआ है कि नहीं, मेरे सोसाइटी में क्या हो रहा है, कभी वॉचमैन से झगड़ा, कभी लिफ्ट मैन से झगड़ा, ये चलता ही रहता है, तो एक एक्टर की लाइफ एक नॉर्मल इंसान से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक अलग रहने का तरीका हो जाता है और लोगों का देखने का तरीका, एंड आई थिंक यही लोग भूल जाते हैं अंधे से, अरे एक्टर है देखो क्या हो गया है, ये इतने सारे सुसाइड इवन अदरवाइज होते हैं, बट व्हाई वी टॉक ओनली अबाउट एक्टर्स, ऑफकोर्स वन थिंग बिकॉज दे आर इन लाइमलाइट, पीपल नो देम, बट डेफिनेटली इट्स अ बैड थिंग, आई अपसेट व्हाटएवर हैज हैपेंड, आई एम शॉक्ड, मुझे बुरा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चीज़ें प्रमोट हो और लोग ये चीज़ को फॉलो करने लगे, अरे डिप्रेस हुए कुछ नहीं तो चलो यू नो सुसाइड कमिट कर लो, बिकॉज आई थिंक मोर देन एनीथिंग आपको अपने पेरेंट्स का सोचना चाहिए, मैं लाइफ में कभी भी कुछ करती हूँ मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, यू नो, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिगेस्ट लॉस्ट इज़ ओनली ऑफ योर पेरेंट्स, नोबडी एल्स, हर किसी की जितने भी लोग एग्जाम्पल वहाँ पर भी गए थे आज सब अपनी लाइफ में बिजी है, कोई शूट कर रहा है, कोई कहीं यू नो इवेंट पे जा रहा है, कोई कहीं फैमिली के साथ घूमने गया है, सबकी लाइफ आगे चलती है, यू नो किसी की लाइफ रुकती नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट आई थिंक बेचारे उसके पेरेंट्स की लाइफ तो रुकी गई है, यू नो दे आर इन ग्रेट ट्रॉमा, सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस यार, इट्स द बेस्ट गिफ्ट, एंड ऊपर वाले ने आपको ज़िंदगी दी है और लेने का भी हक उसे ही है, तो आप प्लीज़ उस पर छोड़ दो, और वो कहते हैं ना वो ऐसी कोई प्रॉब्लम देता नहीं है जिसको आप हैंडल नहीं कर सको, यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, हमारे ट्रायल्स होते हैं लाइफ में, यू नो हम मूवीज़ भी करते हैं हिट होता है फ्लॉप होता है, हम सीरियल्स करते हैं हिट होता है फ्लॉप होता है, तो लाइफ भी ऐसी है, कभी हिट कभी फ्लॉप पर्सनली, तो हमको बैलेंस करना ज़रूरी है, लोग आपको आके तोड़ेंगे, आपके लिए बुरा बोलेंगे, आपको नीचे गिराएंगे, पर आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, वो आपको ऊपर जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, आप नीचे रहोगे तो भी प्रॉब्लम है, तो यू नो कभी इंसान आपके लिए यहाँ पे अच्छा बोलता ही नहीं है, तो आपको बस इग्नोर करना है चीज़ों को और अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और किसी स्टूपिड लड़के की वजह से एटलीस्ट कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है, एंड जैसे आप कह रहे हो इतने सारे केसेस हुए बट इवेंचुअली कोई केस का कोई रिजल्ट ही नहीं आया है, तो एक लड़की की जान भी चली गई और पता ही नहीं चला क्या हुआ, और जब पता होगा तो कुछ होने भी नहीं वाला है किसी का। मैम देखा जाए तो फिर अभी प्रत्युषा बनर्जी के केस में बहुत सारे सेलिब्रिटी जितने भी हैं लगभग पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे जी, और यहाँ तक कि डॉली बिंद्रा जो है उनके माँ की रोने की आवाज चैनल में रेडियो चल रहे, यू नो व्हाट, मेरे फोन पे अचानक से एक चैनल से एक पिंग आया और एक ऑडियो आया, जब मैंने वो प्ले किया मेरे को इतना गुस्सा आया कि एक इंसान एक पर्सनल कॉल को कैसे रिकॉर्ड करके उसको मीडिया, अभी उसकी मॉम है उसकी बेटी मरी है ऑब्वियसली वो रोएगी, एक मीडिया इंसान उसकी मम्मी को जाके पूछता है आपको कैसा फील हो रहा है, मैं चप्पल निकाल के मारती उस मीडिया वाले को अगर मैं वहाँ होती, हाउ कैन यू आस्क दैट यार, आप इंसान हो कि कौन हो, आपके भी घर में आपकी बीवी बच्चे कुछ है कि नहीं है टू टॉक लाइक दैट, हाउ कैन यू आस्क अ मदर आपको कैसा लग रहा है, वो कोई पार्टी में आई है क्या, दिस इज़ सो फूलिश, मतलब फगेट अबाउट एक्टर्स, उनको पब्लिसिटी चाहिए, व्हाट्स रॉन्ग विद मीडिया टू राइट ऑल दिस, उसके पास काम नहीं है पैसा नहीं है ये नहीं है वो, ओ गॉड, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा लगता है यू हैव टू अंडरस्टैंड वो लोग क्या बोल रहे हैं पर्सनली, वो ऑडियंस तक इतना नहीं पहुंचता है जितना जो मीडिया लिखती है वो पहुंचता है, तो एटलीस्ट आप इतना थोड़ा यू नो अपने आप को वो करो कि आप राइट चीज़ें लिखो और ये सारी चीज़ें आती है उसे इग्नोर करो, इफ़ यू हैव द पावर वाई वेस्ट द पावर, रैदर यूज़ इट एंड सी कि कुछ सही चीज़ हो पाए, उस लड़की का लाइफ गया है कुछ तो राइट चीज़ निकले, अभी उसके जो क्लोज दोस्त थे उन्होंने कितना कुछ बोला है बट पुलिस वो लिख ही नहीं रही है, तो आई वॉन्ट टू नो कि फिर
लॉ तो जीरो ही है ना हमारा इवेंचुअली. हम इतना आई एम वुमेन करते हैं, वुमेन सपोर्ट, वुमेन एम्पावरमेंट, बट टिल द टाइम द लॉ डजंट चेंज, नथिंग इज गोना चेंज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग. उन्होंने सिर्फ एक स्टूपिड सा चीज़ जारी कर दिया, लड़की के साथ कुछ भी हुआ सीधा FIR. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर कुछ भी हुआ है, अगर मर्डर और रेप हो चुका है, FIR लिखो. बट अगर जो भी चीज़ में एक वर्ड अटेम्प्ट आता है, एक NC नाम की चीज़ होती है और उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे इंडिया में किसी को पता नहीं है. जो गया नहीं उस, जैसे पता चला एक एक्टर का केस है, फटाफट FIR लिख दियो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उससे पुलिस को कोई लेना देना नहीं है. उनको पता ही नहीं करना हुआ क्या है, क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली हो चुका है. मैं कहती हूँ एटलीस्ट एक नया लॉ निकालो कि जब आपको पता चले कि FIR जिसने आपके खिलाफ दर्ज की है और वो गलत है, पनिश देम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द टॉर्चर दैट पीपल गो थ्रू बिकॉज ऑफ दिस. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट अगर कभी भी आप ये जो प्रतीक्षा के जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है, दे आर लुकिंग फॉर पीपल टू गेट द राइट न्यूज आउट. सो प्लीज हेल्प देम यार, यू नो. थैंक यू.